बाकी मेन मुद्दा देना है उसको सर, हमारे मेन मुद्दा यही है कि सर रॉयल्टी के चक्कर में सर सब कुछ रॉयल्टी अराउंड ना हर टाइम ट्रांसपोर्ट के मैंने मैंने दी खान पी कर मैंने चाहूँ दिन था एक्सचेंज ले में मैंने मासूम सर है और ना ही क्रेशर वेशर गाँव यानी ना बंद छो अगर सब का तो सब अगर बंद हो जाता है तो हमारे ट्रांसपोर्ट भी बंद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा सर यार। अच्छा ना हमें ज़्यादातर फोकस यही है कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर इतना जुल्म ना हो हैरान करना। और अजी मेन मुद्दा ना वही रॉयल्टी के चक्कर में नहीं हम चलना अजी मेन मुद्दे मैं मैं सर यार दफ्तर में अच्छे सी सी साहब आंदर इन सर यार डी सी साहब आंदा ना अच्छे सराव जर इन सर यार और आवाम सपन अच्छे देना सराव लिप चुकी कोशिश बस इन सर यार और मेन को रॉयल्टी आवाम ही कम फोकस इन चुका सर और कल डिपार्टमेंट ही कम फोकस इन चुका और खान पी का पहुंचा सो सर अदू मैं घूम फिर के सीधा गाड़ी पे के मैंने हम सो जुम खान जी तेंदु सर अगर मैं गाड़ी पे कैसे हर टाइम और 10-15 दिन पहले की बात है सर एक तो ट्रांसपोर्ट वाले को यार इन्फॉर्मेशन को तंग फॉर्म बताऊँ सर दिया ही नहीं ना इन्फॉर्मेशन ता सीधा यशिया का गाड़ी में पूरा रूम जूम सर 30-30, 40-40 हज़ार रुपये जुर्माना था सर छा ना वो दिन अच्छी का निशार बोल दें छे सर वर्षिश मेहरबानी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं रॉयल्टी के बारे में तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जनरली पब्लिक इसको नहीं समझते हैं तो ये है क्या चीज और इससे जनरली जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रक यूनियन को काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है तो किस तरह की प्रॉब्लम जिससे आप लोगों को फेस करना पड़ता है? प्रॉब्लम को ना जाना है सर एक डिपार्टमेंट अलग सा डिपार्टमेंट दे रखा है सर रॉयल्टी के लिए जो कि हमारे जो बजरी आता है और रेत आता है वो का मिट्टी विट्टी सारे चीज पे गवर्नमेंट का एक अपना हक बनता है शायद ऐसे ही कुछ है सर शेयर होता है सर और देना है शेयर गवर्नमेंट सब हमारे पर्सनल को नाचा सुने तो सर यार ना कि वो तो पहले तो गवर्नमेंट इसको पकड़ना चाहिए था कि पहले तो वो खान वाले को पकड़ना चाहिए था या तो गवर्नमेंट उसके ऊपर पेनल्टी लगाना चाहिए ना कि हमारे ट्रांसपोर्ट वालों को पकड़ना चाहिए क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट वाला ऑलरेडी टैक्स कुछ ज़रा ही भरते हैं सर हर चीज़ में ट्रांसपोर्ट पे ही परेशानी होता है कमर्शियल गाड़ी तो वैसे भी ऑलरेडी लॉस नहीं है सर पहले आता था कमर्शियल गाड़ी 12-13 लाख में आता था आज 25 लाख रुपये 30 लाख रुपये उसमें बढ़ना पड़ता है छाना वो देख मैंने ऑलरेडी आसमान छू रखा है सर यार छाना अचानक देना चीज़ पे का हर टाइम दिक्कत होंगे सर यार कि रॉयल्टी दसम यंग देने मसले क्यों दूँ अच के यंग मसले क्यों दूँ छाना देना मेहरबानी बस मैंने आवाम सपा लिप चुकसन और एडमिनिस्ट्रेशन सपा देना चीज़ पर लिप चुकसन कि हमारे ऊपर ये जरूर ना हो। अच्छा आप बंद से जो लेके आते हो ना खंड से जो लेके आते हो बजे उस वक्त आपको कोई चालान दिया जाता है? वो तो देता है सर मगर वो लोग पहले से कुछ रोटी भरने का है ही नहीं सर उनके पास रोटी भरता ही नहीं वो लोग तभी तो हमें पकड़ते हैं सर हम अगर उस इशू जो इनका जो रसीद देते हैं वो लोग हम अगर वो रसीद उनको दिखाते हैं तब भी वो नहीं मानता है। रसीद मिलता है? जी सर कुछ मिलता है रसीद सबको मिलता है सबको तो कोई जो मांगता है उसको मिलता है सर जो अगर मांगे गई नहीं उसको तो शायद देता भी नहीं होगा और हम उसको तो पैसा दिए बगैर तो हम लाता ही नहीं आज तक हमने अपने मनमर्जी से गाड़ी लेके और मशीन लेके भर के तो मैंने लाया भी नहीं। आप अगर चालान पे कैसे गाड़ी चलाते हो जब खंड से जब सामान ले जाते हो? जी सर अगर चालान के जब वो खंड जो है ना जी जी जहाँ से बजरी लेके आते हो जिस ठेकेदार के अंदर साफ काम कर रहे हो जी उधर से कोई चालान मिलता है चालान? हाँ वो तो जो मतलब जिसको रिस्क रखता है वो तो लेके आता है मगर फिर भी रिस्क रहता है उस बंदे को। अभी जैसे मान के रखो सर हम क्रेशर से बजरी लेके आते हैं क्रेशर वाला अपना बिल बना के दे देता है या इस बिल के द्वारा हमें छोड़ना ही चाहिए था हाँ ना कि वो रॉयल्टी वाला हमें पकड़ के या किसी और को पकड़ना ट्रांसपोर्ट ये सब नहीं होना चाहिए था सर क्योंकि वो बिल के द्वारा वो सीधा क्रेशर वाले को ही पकड़ना चाहिए था ये वैसा तो होता ही नहीं सर पता नहीं वो उसका क्या मंजर है हम समझ नहीं रहे। क्या आप किसी हाईवे अथॉरिटी से मिले अगर मिले तो क्या इंश्योरेंस देंगे आपको? हम सी सी साहब से मिले थे सर और हम डी सी साहब से भी मिले थे सर डी सी साहब ने भी हमें यह श्योरिटी दिया कि 1-2 दिन में ये परेशानी हम हल कर देगा अगर नहीं होने के आपको क्या अगला स्टेप क्या होगा? हमारा अगला स्टेप तो यही है सर हम रोड पे धरना ही लगाना है सर अभी हम फिलहाल तो हमने गाड़ियों को बंद करके रखा है सर हमारे जो हमारे यूनियन के अंडर में जो इतना गाड़ी भी रहता है हमने उसको काम करने से मना कर रखा है अगर उस हिसाब से अगर 2 या 3 दिन में अगर ये मसला हल नहीं होगा तब हम यही चाहते हैं कि हम पूरा रोड पे धरना लगाए या तो पूरा चाबी शाबी सारा संभालने के लिए डीसी और सीसी साहब को बिल्कुल
यही करना है सर। आप लोगों का मुतालबा सिर्फ यही रॉयल्टी को लेकर है या और भी इश्यू से करनी है? फिलहाल तो हमारा यही एजेंडा है सर कि हमारे यही रॉयल्टी के चक्कर है सर। फिलहाल तो यही अगर खत्म हो जाएगा हमारे लिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे शॉर्ट सीजन रहता है सर, मुश्किल से 6 महीना 5 महीना रहता है, और किसी के बेचारे को तो 3 महीने से ज्यादा काम कर नहीं पाता है। और हमें सर्दी में तो कोई पूछने वाला नहीं आता है कि रॉयल्टी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। अभी तो ये रॉयल्टी के चक्कर में हमें पूरा सीजन ही बर्बाद हो जाता है। अभी 2 महीना तो उसी में निकल गया, और 2-3-4 महीना आएगा तो उसी में निकलेगा, बड़ा हमें परेशानी रहेगा सर। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो COVID-19 पेंडेमिक की वजह से काफी मुश्किल में अभी कोविड तो चल रहे, तो ट्रक यूनियन के हवाले से अगर हम बात करें तो कितने लॉस में ट्रक यूनियन जा रहे हैं या कि मुनाफे में? बड़ा लॉस में सर, क्योंकि पिछले साल हमने एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बहुत सपोर्ट किया। हम अपने हिसाब से हमने 100% 90% के करीब हमने उसको लॉस में कड़ी चला के दिया सर, और अभी आज के डेट पे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ ही नहीं दे रहे सर। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। अब हमें आखिर में आप लोगों के पास ही आना पड़ा जी सर। इस हवाले से और जिस स्टेक होल्डर से उनका कोई सपोर्ट आप लोगों को? अभी तक तो फिलहाल तो हाँ, कहने में तो कॉन्ट्रेक्टर यूनियन भी हमारे साथ सपोर्ट में है सर, और टैक्सी यूनियन और तमाम यूनियन हमारे सपोर्ट में होगा सर इंशाल्लाह। एक बार फिर आप क्या अपील करना चाहेंगे इंतजामिया? एक बार हम वही अपील करना चाहेंगे सर कि हमें ये सब नहीं होना चाहिए और सीधा हमें फ्रीडम मिलना चाहिए। और हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि खान वाले को गवर्नमेंट को ये रॉयल्टी भरने का उसको भी चांस देना चाहिए। हाँ, ना कि उसको अपने मनमर्जी से तो नहीं चलाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उसको अपने मनमर्जी से चला ले, जितना पैसा है उसको अपने जेब में भी नहीं रखना चाहिए। हाँ, कुछ गवर्नमेंट का अपना ये होता होगा, वो भरने में उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि पहले आज से 2-4 साल पहले की बात है, 500 रुपये में गाड़ी हाफ ट्रिप आराम से मिल जाते थे और 1000-1000 रुपये में उसको गाड़ी भर के दे देते थे। आज के डेट से 2000-4000 रुपये उसी में गजरी को लेते हैं सर, तभी तो ये दिक्कत आगे तक हो गया सर। पता नहीं क्यों ये रॉयल्टी का जो इशू है रिसेंट है कि पहले से चल रहा है? पहले एक पिछले साल भी ये ऐसा हुआ था सर रॉयल्टी के चक्कर में, और हमने यही सिचुएट करके सीसी साहब ने इसको हॉल पे लेके क्लियर करके हमको चलाने के लिए अथॉरिटी दिए थे। जी जी, और कुछ मुतालबा? मेहरबानी सर, और हमारे यही जो रिक्वेस्ट है अमाउंट तक पहुँचाए, और सीसी साहब डीसी साहब हर किसी तक पहुँचा दे, अच्छा रहेगा सर प्लीज। मेहरबानी, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.